हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है मॉक टेस्ट 2.0 का मतलब यह है कि आज की जो हमारी क्लास होगी इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करे जाएंगे इसके अंदर। और हम इसमें स्पेसिफिक सभी उन चीज़ों पर बात करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जैसे आपके कथन निष्कर्ष, स्थापना तर्क, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, महत्वपूर्ण कथन, बस इन पे ही हम ज़्यादातर इसमें बातें करेंगे क्योंकि यही इनका वेटेज आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। तो 2.0 की क्लास में हम केवल यही प्रश्न करने वाले हैं और जो सुबह आपकी 9 बजे वाली क्लास होती है उसके हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, समझ गए। मिक्स में आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पत्रिकाएँ, रचनाएँ, उपन्यास, कहानी सभी उसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम केवल करेंगे कि आपको मैंने बता दिया 3-4 टॉपिक जो हैं इन्हीं सब पे हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। तो बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से हम करेंगे इन क्वेश्चनों को। और दोस्तों कल के मॉक टेस्ट में, कल के क्या, जो आज के ही मॉक टेस्ट में कुछ प्रश्न दोस्तों के बता रहे थे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे, तो कोई दोस्तों जो भी प्रश्न गलत हो जाता है उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बता सकते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई प्रश्न एक आधा ऊपर नीचे गलत हो जाता है, वो आयोग की तरफ से गलत हो सकता है, क्योंकि मैं जब आंसर देखता हूँ तो आंसर मैं अपनी तरफ से नहीं लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो आंसर मैं किसी बुक से रेफ़र करके या कोई प्रश्न में आया या किसी एग्ज़ाम में पूछा गया वहीं से मैं वो उत्तर निकाल के आपको बताता हूँ। तो कुछ अगर गलत होता तो बहुत बढ़िया बताया करिए, क्योंकि जो कितने भी साथी ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं तो उनका गलत ना हो, समझ गए। तो बहुत बढ़िया आपसे भी जितने जितने मेरे साथी इसको बताते हैं, समझ गए। तो आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है रात के बज रहे हैं 9 और आज की हम जो क्लास करेंगे एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट हमारा 2.0 की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि सभी एग्जामों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ तक के इसके अंदर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम, और ये यूजीसी नेट जेआरएफ तक के लिए कारगर सिद्ध होने वाली क्लास है। तो दोस्तों फिर वही मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को, चैनल पे जितने भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, आज की क्लास में पहली बार उनकी विजिट है, तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको JNU, BHU, जामिया और DU से आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और खासकर आपको MA हिंदी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कराई जा रही है। तो लास्ट ईयर दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा स्कोर रहा था और इस बार भी हम जाना ये कहना चाहेंगे कि इस बार बहुत ही अच्छा स्कोर रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 400 में से 400 अंक इस बार मुझे चाहिए, क्योंकि इतनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपको मुझे अंक निकालने जरूरी हैं, समझ गए ना। तो जल्दी से हम कर लेते हैं दोस्तों, जितने भी मेरे साथी हैं ये चैनल जो देख रहे हैं, विजिट देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, उनके अगर कोई दोस्त हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी साथियों को मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि उनको भी ये इसका फ़ायदा मिल सके, समझ गए ना। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों फिर हम अपनी मॉक टेस्ट नंबर 2.0 का पहली क्लास जो हो रही है हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास। तो यहाँ पे आपका आ गया 2.0 मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, आपको 4-5 टॉपिक मैंने ऊपर बताए थे ना, स्थापना तर्क, अभिकथन, कथन निष्कर्ष, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और महत्वपूर्ण कथन, बस इतने ही आज के हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी इसके अंदर कुछ भी बात नहीं होगी, समझ गए ना। बाकी आप देखिए और अच्छे से आंसर लगाने का प्रयास करना, कुछ भी क्वेश्चन गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर बताइए और बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जो निष्कर्ष होता है वो बताइए कि कैसे आया ये और कहाँ से लिया है आपने, कहाँ से देखा है, वो सभी आप डिटेल में मुझे बता सकते हैं, समझ गए ना। तो बताइए स्थापना दी हुई है, तर्क दिया हुआ है आप सभी को, यहाँ पर जो हमारी स्थापना है और तर्क है आपको पढ़ना है और आपको सही विकल्प लगाने का इसमें प्रयास करना है। तो यहाँ पर A, B, C और D इस हिसाब से आपको आंसर लगाने हैं। तो हम एक बार स्थापना देख लेते हैं, फिर स्थापना हमारी, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है, वही भाव की पवित्र भूमि है। यहाँ पे आपका ये स्थापना है, आपको स्थापना देखनी है और स्थापना ठीक है कि गलत है वो बताना है, और नीचे आपका कथन दिया गया है, समझ गए, तर्क दिया गया है। तो देखते हैं फिर आप जो हमारा तर्क क्या है, स्थापना हमने देख ली है, अब तर्क देखेंगे। इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, सभी के लिए, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना इसमें मैं 50-50 वाली बता सकता हूँ, कुछ श्योर नहीं हूँ मैं कि 100% ठीक हो। इसमें मैंने जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ स्थापना तर्क अभिकथन के, इसमें जहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आपको जैसे इसलिए, मात्रा, समझ गए, ये जहाँ पे ऐसे आ जाते हैं ना तो वहाँ के आपके जो बता दूँ मैं, दोनों में से ना आपका जो तर्क होता है वो गलत हो जाता है, कभी कभार गलत हो जाता है ना। तो आप ये देख सकते हैं 50-50 ये चल जाता है, बाकी 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि ये ठीक हो जाए, समझ गए। तो इसमें बताइए तर्क सही था, हमारी स्थापना सही था, क्या इसका सही विकल्प होने वाला है, समझ गए, जल्दी से बताइए। तो आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी इसका लगा लिए होंगे। तो मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था
इसमें जो ये ट्रिक जो हमने लगाई इसके अंदर 50% के 100% हमारी करेक्ट हो गई, जहाँ मैंने बोला बाकी आप जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये तो लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जैसे कोई नए नए साथी आए थे जिनसे क्वेश्चन में गलती हो जाए, क्योंकि JNU का हमारा एग्ज़ाम ऐसा है वहाँ पर आप 100% तो श्योर हैं क्योंकि इसमें कोई नंबर हमारा कटेगा नहीं, पर हम ये कर सकते हैं, इसमें ट्रिक लगा सकते हैं या हमको अच्छे से पढ़े हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था ना इसलिए, तो इसलिए वाला जो ऑप्शन आता है हमारा गलत हो जाता है, ये ट्रिक हो जाती है। बाकी आप ट्रिक पे डिपेंड हो जाएं या कि आप थ्योरी पे बढ़िया हैं तो जैसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख सकते हैं इसका जो सही विकल्प जाएगा ना, यहाँ तर्क जो है गलत हो जाएगा और स्थापना हमारी ठीक हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चन गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताने का पूरा पूरा प्रयास करिए। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन, समझ गए, यहाँ पे भी स्थापना और तर्क दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये स्थापना है आपकी पढ़ना है और तर्क पढ़ना है, उसका सही उत्तर लगाने का प्रयास करना है। तो हम स्थापना देख लेते हैं फिर, क्या है, काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिवर्चनीय होता है। तो क्या होता है, लोकोत्तर और अनिवर्चनीय, ये इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखना आप और देखना बढ़िया से, है ना। तो आगे देखते हैं फिर क्या है, अगला हमारा क्या है, तर्क है। तो तर्क में हम देखेंगे, क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समार्थी कहा गया है, तो बताइए इसके अंदर क्या ठीक होने वाला है। तो ऊपर वाला जो हमने ट्रिक लगाई थी इसलिए और मात्र, तो वो तो यहाँ पे अपनी चलेगी नहीं अब, है ना। तो यहाँ पे अब चलेगी, यहाँ पे हमारी केवल थ्योरी चलेगी, जिसका थ्योरी सीख ठीक होगी वही इस प्रश्न को लगा पाएगा, समझ गए। तो स्थापना देखिए और तर्क देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो जितने भी मेरे साथी स्थापना को ठीक बता रहे तो एकदम करेक्ट है, यहाँ स्थापना बिल्कुल ठीक है। काव्य का आनंद जो होता है लोकोत्तर और अनवर्चनीय होता है, एकदम ठीक है, समझ गए। बात करेंगे तर्क की, क्योंकि रस का भ्रमण का समार्थी कहा गया है, तो ये भी एकदम ठीक है। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ए सही है आर सही है दोनों, है ना। बढ़ते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न आ चुका है, या मैंने जैसे भी आपको बताया ना यहाँ पे कुछ भी प्रश्न नहीं आएंगे, केवल आपके स्थापना तर्क कभी अभिकथन और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और महत्वपूर्ण कथन, यही आज हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। डेली डेली हम क्लास में ऐसे ऐसे प्रश्न लाएंगे और महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली, सभी के सभी रात 9 बजे आ जाइए करिए आप सभी लाइव, समझ गए। तो स्थापना देखिए और तर्क देखिए, सही आंसर लगाने का प्रयास करिए। स्थापना हमारा रस ज्ञान द्वारा ग्रह होती है, ग्रह होती है। तो आखिर अपना जो तर्क हैगा, तर्क देखिए क्या आएगा, क्योंकि हृदय को अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। तो बताइए इसमें सही क्या हो सकता है हमारा। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो सही विकल्प होगा तीसरे का हमारा सी हो जाएगा, कौन सा, स्थापना गलत है और तर्क भी गलत है। तो यहाँ दोनों ही गलत माने जा रहे हैं, समझ गए, ये आयोग की तरफ से आंसर है। बाकी आपको अगर लगता है इसका ठीक है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, समझ गए ना, जो आयोग की तरफ से वही मैं आपको इसके अंदर आंसर बता रहा हूं। बढ़ते हैं फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, समझ गए, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्थापना है, तर्क है, वही आपका वैसे ही प्रश्न है आपको, बस इसमें आपको सही गलत बताना है इसमें क्या हो जाएगा। स्थापना है आपकी छायावत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है, और तर्क है आपका क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभव निजी संवेदनाओं अनुभव का अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। बताइए सही क्या होगा इसमें से, स्थापना या तर्क, या तर्क या स्थापना। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो छायावत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है तो ये एकदम ठीक हो जाएगा, समझ गए, ये हमारा ठीक हो जाएगा। बात करें कि क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला, तो इसमें ये गलत है, मिला हुआ है, तो ये हमारा इसके अंदर जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें ये बोला इनको नहीं मिला तो मिला हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, समझ गए, यहाँ पर बी चला जाएगा। इसमें बोला अवसर नहीं मिला तो अवसर मिला हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक होगा, समझ गए, ऐसे प्रश्न हम करेंगे इसमें। और बढ़ते हैं फिर पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आपका पाँचवा क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे मेरे साथ ही। स्थापना तर्क है आपकी, यहाँ पर भी आपको स्थापना और तर्क में देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। एक मैं जो आपको ऊपर टॉपिक बताया था ना, ट्रिक बताई थी, जहाँ पे इसलिए या मात्रा का प्रयोग आया था ना ज़्यादा शब्दों में, तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ पक्का दोस्तों, तर्क गलत होता है, 50% तर्क गलत होता है, 50% आपको थ्योरी आनी चाहिए, उस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है, समझ गए। और क्योंकि जहाँ लग जाता है क्योंकि मैं, तो कहीं सही भी हो जाता है और कहीं गलत भी हो जाता है, तो यहाँ पर हम श्योर नहीं है कि ये पक्का गलत हो सकता है कि ठीक हो सकता है।
तो बताइए, इतनी देर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा था, तो आप आंसर लगा लिए होंगे मैं ऐसा करता हूँ। तो हमारी स्थापना है, स्थापना देखेंगे हम, कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजी तत्व की उपलब्धि करता है, समझ गए। और आपका जो हम देखेंगे तर्क क्या है, तर्क देखिए क्या है, तर्क हमारा क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है सौंदर्य सृजन व्यवहार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि है। तो हम देख सकते हैं कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, तो अधिकतर इसमें सही है, समझ गए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका उत्तर लगा लिया होगा। अब हम बात करें कि स्थापना की, स्थापना में हमारा क्या सही और क्या गलत है और तर्क में हमारा क्या सही और क्या गलत है। तो स्थापना हमारी कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजी तत्व की उपलब्धि करता, तो ये एकदम गलत है, इसकी उपलब्धि वो नहीं करता। वो बात करें कि तर्क की, तो तर्क में देखिए क्या है, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, बिल्कुल ठीक है, सौंदर्य सृजन व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि है, तो ये एकदम ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा स्थापना गलत है और तर्क हमारा ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर चला जाएगा इस प्रकार से, इसका ये आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें दोस्तों, समझ गए। बढ़ते हैं अपने फिर छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर आपकी पंक्तियों से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आ चुके हैं, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। नया बीच नदी डूबत जाए, किसका है ये कथन, किसकी ये पंक्ति है बताइए। महत्वपूर्ण पंक्तियों की हम इसमें बात करना करेंगे। आपकी ये जो प्रश्न है ये आपके लगातार जब तक आएंगे जब तक आपका एंट्रेंस नहीं हो जाता। तो आपको बताना किसकी है, कबीरदास जी की, सूरदास जी, तुलसीदास जी की, यहाँ पर आपका हैगा ये कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हाँ तो ये दादू दयाल था, समझिए दादू दयाल था, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास। तो इसमें सही विकल्प बताइए क्या होने वाला है छठे का। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका आंसर जानते होंगे। तो कबीर जी की पंक्ति है ये, नैया बीच नदी डूबती जाए, ये हमारी कबीर जी की पंक्ति है। तो छठा इसके ए इसके अंदर सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सातवां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे। अव्वल आला नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, ये सभी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछी जाती हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और इनको हमने देखा है कि ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो बताइए किसकी है ये, तुलसीदास जी की, कबीर जी की, मीराबाई जी की या सूरदास जी की। ऐसा करता हूँ कि मेरी सभी पंक्ति जितने में इसके अंदर आ रही हैं आप सभी को इसका आंसर पता होंगे। बताइए सातवें का सही विकल्प क्या होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों आप सभी को, अव्वल आला नूर उपाय कुदरत के संबंध है, ये आपकी कबीर जी के, किसकी, कबीर जी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं फिर आठवें क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी आठवीं जो पंक्ति हुई है यहाँ पे, आठवीं पंक्ति में यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं बता दूं, केशव कहीं ना जाए कहीं, ये आपकी पंक्ति जो है किसकी, तुलसीदास जी की है, आपको याद रखना केवल किसकी है, कि तुलसीदास जी की। तो बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ गया आपका नौवां प्रश्न, ये भी आपका पंक्ति से रिलेटेड है, आपको बताना है पंक्ति किसकी है। सुरतिये नरतिये नगतिये नगतिये सब चाहत स अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होए, बताइए किसकी पंक्ति है ये नौवें का। तो मैं ऐसा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा दे, तो रहीम जी की पंक्ति है, किसकी, रहीम जी की ये पंक्ति है। तो हमारा यहाँ पर सी इसका ऑप्शन ठीक होने वाला है। बढ़ते हैं फिर दसवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आई है दोस्तों आप सभी की, ये दसवीं तो किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, आपने सुना भी होगा ये, देखिए क्या है और पढ़िए अच्छे से आंसर लगाने का प्रयास करिए। तुलसीदास, कबीर जी, सूरदास और रहीम इसके करेक्ट आंसर हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, बताइए ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी ने सुनी ही होगी ये। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो इसका जो हमारा सही विकल्प जाएगा किस पर जाएगा, तुलसीदास पर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हु सुदशरथ अजर बिहारी, तुलसीदास जी की पंक्ति है, समझ गए, महत्वपूर्ण है आप सभी की, एग्जाम में पूछ सकता है इसे। तो बढ़ते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ गया आपका ग्यारहवां क्वेश्चन, बताइए समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग
का अकेला साहित्य इसी का नाम अभिव्यक्ति साहित्य है। ये बताइए क्या है, बताइए किसकी है ये, तुलसीदास जी की, रस खान जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या बनारसी दास जी की। देखिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होने वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, समझ गए। तो इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं फिर 12वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों लास्ट ईयर जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ कराई थी और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे, उन सभी में मैंने एक चीज़ देखी थी कि ये जो सारी वीडियो थी बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बार भी ये महत्वपूर्ण होंगी। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जितने भी आपको ये वीडियो कराए जा रही हैं, जैसे इसके अंदर हमारे जो लास्ट ईयर चली थी क्या थी, ये हमारी एम ए हिंदी एंट्रेंस लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन, तो ये दोस्तों आप जरूर कर लें। 8 वीडियो हैं इसके अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। केवल इसके अंदर एंट्रेंस के पेपर आए, इसमें JNU, BHU, JAMIA, DU, AMU और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं ना हिंदी के, तो उन सभी प्रश्नों को मैंने इसके अंदर संकलन किया है और 8 वीडियो इसके अंदर मैंने तैयार करी हैं, 8 प्रश्न पत्र तैयार करें। इन सभी प्रश्न पत्रों को आप जरूर कर लें आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, समझ गए। महत्वपूर्ण है, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ हमने करी थी जो हम इस बार भी कर रहे हैं 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये वाले भी वीडियो आप जरूर कर लें। 5 वीडियो इसके अंदर दी हुई हैं, 5 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। ज़्यादा वीडियो है नहीं है, है ना, 5 यहाँ पे हो गई, 8 यहाँ पे हो गई और बाकी देखते हैं कौन सी है। तो ये तो हम हर साल करते ही हैं मॉक टेस्ट सीरीज़, समझ गए। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम यहाँ पे करी थी हमने 30 डेज 30 क्वेश्चन सीरीज, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बस हमने इतनी ही मॉक टेस्ट सीरीज़ कराई थी, इसी के हिसाब से बच्चों के 100 में से 93 नंबर आए थे, किसी के 300 में से 97 नंबर आए थे, किसी के बहुत ही बढ़िया बढ़िया नंबर आए थे सभी के, तो इतनी ही वीडियो से आ चुके थे। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो आपके नंबर कम आने की पूरी मैं बोलता हूँ संभावना नहीं होनी चाहिए, आपकी संभावना अच्छे नंबर की होनी चाहिए। तो ये भी आप जरूर कर लें, ये 30 डेज 30 क्वेश्चन सीरीज़ और आपकी जो अगली टेस्ट सीरीज़ है, आखिरी जो हमारी सीरीज़ है कौन सी है, ये हम जो हर साल करते हैं, जो अभी भी हम कर रहे हैं कि MA हिंदी एंट्रेंस मॉक टेस्ट सीरीज़ 2021, समझ के 2021 का इसमें नाम दे दिया है, पर आप ये कर सकते हैं, समझ गए ना। इसमें 7 वीडियो आपको यहाँ दी हुई हैं, 12 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं और 8 यहाँ पर हैं। तो सभी मैं बोलना चाहूँगा, जिस बच्चे जोन सा मेरे साथ ही अच्छे से तैयारी कर रहा है, इन सभी वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले जरूर करके जाना, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय में और JNU में। तो हो सकता है कि इस बार भी इनमें प्रश्न जरूर आए, तो जो आप कर रहे हैं करंट में वो तो करिए, पर इनको टाइम निकाल के इन सभी वीडियो को आप जरूर कर लें जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। तो बढ़ते हैं फिर अपने हम मॉक टेस्ट की तरफ। तो यहाँ हमारा आ गया 12वां क्वेश्चन आ चुका है, समझ गए। दोस्तों इस की जो PDF, इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ जाके आप जुड़ जाइए, समझ गए। वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF बिल्कुल ही शानदार तरीके से मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, दरवा जैसे चंडालगढ़ी की तरफ नज़र जोड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, बताइए किसका है ये, सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी या बालकृष्ण भट्ट जी, बताइए सही विकल्प क्या होने वाला है यहाँ पर 12वें का। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों ने इसका विकल्प लगा ले, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाए, कौन सा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है ये, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, किसका, माखनलाल चतुर्वेदी जी। बढ़ते हैं फिर 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होने वाला महत्वपूर्ण कथनों से, तो महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कथन किसका है। तो ये हमारा कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो सामान्य करने का अपार ध्येय लाया हो, बहुत ही बढ़िया है, बताइए किसकी है, तुलसीदास जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, सूरदास जी की या हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, बताइए 13वें का क्या आंसर होने वाला है। तो ऐसा करता हूँ मेरे सभी साथी इसका विकल्प लगा लिए होंगे, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो सामान्य करने के अपार ध्येय लाया हो, तो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही विकल्प होने वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, समझ गए। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 14वां क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, 14वां क्वेश्चन आपका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आप सभी को मैं बता दूँ, ये आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो किसकी बतानी पंक्ति है, तुलसीदास जी की है, रहीम जी की है, संत रैदास जी की है या मलुकदास जी की। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथियों का इसका विकल्प पता होगा, बहुत ही शानदार तरीके से इतने दिनों से आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो बहुत ही ये एक आधी सीरीज़ में आपका जरूर प्रश्न आया होगा। तो बताइए 14वें का सही विकल्प क्या होगा, तो ये संत रैदास जी की पंक्ति है, समझ गए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की है, संत रैदास इसका सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, 15वें क्वेश्चन हम करेंगे, 15 क्वेश्चन हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इसका मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहता हूँ, असगर करे ना चक्री पंछी करे ना काम, ये किसकी
किसका कथन है बताइए, किसका कथन है? तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी का, सूरदास तुलसीदास, या मलुकदास, या रैदास? आप इसका सही विकल्प बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और फाइनल क्या आपका स्कोर रहा इन 15 क्वेश्चन में से, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन में गलती है तो उसको मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, उसका आप सही विकल्प बताने का प्रयास करें। इस क्लास की जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, समझ गए साथियों, तो इसका आप आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो सभी साथियों से मैं कहूँगा इसकी जो आंसर की PDF है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये क्लास की PDF मिल जाएगी, इसमें जितने भी आंसर मैंने 15 क्वेश्चन करा 15 के आंसर आपको इसी PDF में मिल जाएंगे, कुछ भागने की जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल पर हम इसको डेली पोस्ट करते हैं, डेली आपको टेलीग्राम चैनल पर हम जिसकी क्लास की PDF होती है प्रोवाइड करा देते हैं। आज की जो 9 बजे वाली रात की क्लास और 9 बजे की सुबह की क्लास थी, दोनों की PDF आपको हम एक साथ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, समझ गए साथियों। तो वीडियो अच्छी लग रही दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, समझ गए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें। तो इन वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।